Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the third topic of pathology of male reproductive system, in which today we will discuss about the BHP, benign prostatic hyperplasia or benign prostatic hypertrophy. ये एक ऐसी pathological condition है मेल के अंदर जो हायर एज के अंदर काफ़ी कॉमनली देखी जा रही होती है, और इसमें प्रोस्टेट की सेल्स में ना केवल हाइपरट्रॉफी इवन हाइपरप्लेसिया भी देखा जाता है. मतलब प्रोस्टेट का सेल का साइज और शेप जो है वो दोनों एनलार्ज्ड हो जाती है. तो यहाँ पे आप प्रोस्टेट की एनाटॉमी देख सकते हैं. तो ये देखिए, ये यूरिथ्रा के दोनों साइड इस तरह से नॉर्मली ये प्रोस्टेट जो है वो पाई जा रही होती है. नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रही है. और यही जब एनलार्ज हो जाएगी तो आप देखिए यूरिथ्रा एकदम नॉर्मल अच्छे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पर जैसे ही ये प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगी इसकी नैरोइंग हो जाएगी, इस यूरिथ्रा की नैरो हो जाती है. तो प्रोस्टेट की फिजियोलॉजी क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड थिन मिल्की फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जिसमें कैल्शियम सिट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लॉटिंग एंजाइम और प्रोफिब्रिनोलाइसिन पाया जाता है. एमिशन के दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैप्सूल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी के साथ में वास डेफरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे कि 30% सीमेन वॉल्यूम जो है वो, या सीमेन में ये अपने सिक्रीशन का वॉल्यूम ऐड कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है. स्लाइटली एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूड जो होता है वो ओवम के सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये तो थी फिजियोलॉजी, अब पैथोलॉजी देखिए. BPH या BHP आप इसको कह सकते हो, ये एक्सट्रीमली कॉमन एबनॉर्मैलिटी है. मैंने कहा हायर एज के साथ में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, तो एक्सट्रीमली एबनॉर्मल और कॉमन एबनॉर्मैलिटी है, जो कि 20% मैन में 40 ईयर की एज के बाद देखी ही जाती है, और 60 एज के बाद 70% इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और 80 के बाद 90% चांसेस इसके बढ़ जाते हैं. इसको आप किससे पहचानेंगे कि इसमें स्ट्रोमल और एपिथेल एलिमेंट्स दोनों बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं, यानी प्रोलिफरेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है. और जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होएगी तो भाई यूरिथ्रा की नैरिंग हो जाएगी, और नैरिंग होते यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, यूरिन पास नहीं हो पाएगा भाई यूरिथ्रा नैरो होते ही. हालांकि कॉज जो है वो अभी तक पूरी तरह से इसके हमें समझ में नहीं आए हैं, पर फिर भी एंड्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ जो है स्ट्रोमल और ग्लैंडुलर एलिमेंट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही होती है. ये इसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है कि स्ट्रोमल और ग्लैंडुलर एलिमेंट्स की एंड्रोजन डिपेंडेंट ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गई है. ये DHT 10 times ज़्यादा पॉटेंट होता है टेस्टोस्टेरॉन के कंपैरिजन में. डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, DHT क्या है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ये ज़्यादा पॉटेंट होता है. कुछ मेल्स में नहीं देखा जाता, जैसे प्यूबर्टी से पहले जो कैस्ट्रेटेड होते हैं उनमें नहीं देखा जाता, या जेनेटिक डिजीज़ जो कि एंड्रोजन एक्टिविटी को ब्लॉक कर लेती है उनमें भी ऐसी कंडीशन नहीं देखी जाती, वरना ये काफ़ी कॉमन है. मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो ये इनर ट्रांजिशनल जोन जो है प्रोस्टेट का उसमें देखी जाती है. प्रोस्टेट एनलार्ज होकर 60 से 100 ग्राम तक हो जाती है, जबकि नॉर्मली केवल इसका 7 से 16 ग्राम ही वेट होता है. तो देखिए कितनी ज़्यादा एनलार्ज हो गई है. इसमें बहुत ज़्यादा वेल सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल्स बन जाते हैं, कट सरफेस करके आप देखो तो ये बुली के रूप में बाहर निकले हुए से ऐसे दिखाई देंगे. सॉलिड होते हैं, इसमें सिस्टिक स्पेसेस पाए जाते हैं. यूरिथ्रा इसकी वजह से, मैं बार बार बोल ही रही हूँ कि यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है यूरिथ्रा के अंदर. कुछ केसेस में हाइपरप्लास्टिक ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्लैडर ल्यूमन में प्रोजेक्ट हो जाते हैं, पेडंकलेटेड मास के रूप में, आपको पेडंकलेटेड मास के रूप में ये दिखाई दे रहे होते हैं कुछ केसेस के अंदर. तो यहाँ इस पिक्चर में देखिए नोड्यूल दिखाए गए हैं. प्रोस्टेट की लोब यहाँ एनलार्ज होती हुई दिखाई गई है. माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल जो होते हैं वो आपको बने हुए दिखाई देंगे, जो कि प्रोलिफ्रेटिंग ग्लैंडुलर एलिमेंट और फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा के बने होते हैं. हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स पे लाइनिंग पाई जा रही होती है टॉल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की, और पेरिफेरल लेयर फ्लैटेंड बेसल सेल की बनी होती है.
ग्लैंडुलर ल्यूमिना में अक्सर जो है प्रोटीनेशियस सिक्रेटरी मटेरियल जिसको आप कॉर्पोरा एमाइलेशिया कहते हैं वो दिखाई दे रहा होता है। अदरवाइज आप इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। खाली ये ऊपर की नोड्यूल्स वगैरह वाली बात और हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड की सेल्स वाली बात बता दीजिए, काफ़ी है इतना आपके लिए। अब ऐसे केस में बी पी एच के केस में क्या दिखाता है, अपीयर्स ये 10% मेल मेन में पैथोलॉजिकल एविडेंस के साथ में दिखाई देता है। हालांकि इसका हिस्टोलॉजिकल चेंजेस के साथ में या क्लिनिकल सिम्टम के साथ में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, पर फिर भी इसमें सीएम क्या दिखाई देते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से जुड़े हुए आपको सारे साइन सिम्टम दिखाई देंगे, जैसे कि हेजिटेंसी, यूरिन के स्ट्रीम को स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है, तो मन नहीं कर रहा होता, इच्छा नहीं हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा होता है कि पेन होएगा, तो हेजिटेंसी हो रही होती है ऐसे मेल के अंदर। इंटरमिटेंट इंटरप्शन होता है यूरिनरी स्ट्रीम के अंदर, वॉइडिंग जब वॉइड कर रहे होते हैं यूरिन, मतलब ब्लैडर पूरी तरह से वॉइड कर रहे होते हैं उस वक्त यूरिनरी स्ट्रीम के अंदर इंटरप्शन, रुक रुक करके यूरिन पास हो रहा होता है। लेटर यूटीआई भी इनमें हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी देखा जाता है। ये सिम्टम्स फ्रीक्वेंटली जुड़े होते हैं यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्टूरिया के साथ में, मतलब नॉक्टूरिया बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी, हर थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास करने के लिए जाना होगा, अर्जेंसी कंट्रोल नहीं रखा जा रहा होता यूरिन पास पे। बस इसके हमने भाई देखिए, वैसे तो ज़रूरी चीज़ें अपन ने इसके अंदर बोल ही दी थी, मैंने आपको बता दी है और मैंने बता दिया हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी वाली बात आप इसके अंदर ज़रूर लिखेंगे, ये या आपको याद रखनी है। और पैथोलॉजिकल चेंजेस में तो भाई वही पैथो प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाती है, कट सरफेस में अपन ने बता दिया कि नोड्यूल्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, बल्ज आउट दिखाई देंगे। डायग्नोस देख लीजिए, विजिबल मिड लाइन मास अगर सिम्फासिस प्यूबस के ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसके रूप में आप पहचान सकते हो। रेक्टल पैल्पेशन पे एनलार्ज प्रोस्टेट का जो है वो पता चलता है। इसके अलावा एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी करवा सकते हो, सिस्टोस्कोपी किया जा सकता है, बन बढ़ा हुआ क्रिएटिन लेवल सीरम में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। बस ठीक है, इतना बहुत है तो इतना आप लिख दीजिए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी।